नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है जुगनू चिल्लर। आप देख रहे हैं जुगनू चिल्लर की यूट्यूब फैमिली का छोटा सा एक चैनल। आज हम आए हैं जज्जर में, जो कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे न्यू ओलैंड की एजेंसी है, बहुत पुरानी एजेंसी है। न्यू ओलैंड के ट्रैक्टर बहुत फेमस है, आप जैसे जानते ही हैं। न्यू ओलैंड का नाम आता है तो 3630 सबसे पहले दिमाग में आता है, जो कि 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। और उसके बाद पहले कंपनी के 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आता था बड़ा। 55 और 75 का एक बड़ा डिफरेंस था। उसमें एक 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लॉन्च करके कंपनी ने वो फासला भी बिल्कुल ओके कर दिया है। हमारे साथ सज्जन सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो इस ट्रैक्टर की सारी टेक्निकल डिटेल हमें बताएंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, सज्जन न्यू ओलैंड की तरफ से सभी किसान भाइयों को राम राम। आज भाई अपने 9000 ट्रैक्टर एजेंसी जज्जर पर अपने जुगनू भाई जुगनू छिल्लर आए हुए हैं। ये अपना न्यू ओलैंड का 65 हॉर्स पावर में आता है जी। इसमें आपने दोनों ही मॉडल अवेलेबल हैं, 4-व्हील ड्राइव और 2-व्हील ड्राइव। 2-व्हील ड्राइव ये अपना, तो शुरुआत करते हैं अपने न्यू ओलैंड के 5620 4-व्हील ड्राइव। तो ये अपना 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है जी। और 65 हॉर्स पावर में आपको तीन सिलेंडर और रोटरी पंप के साथ, तीन सिलेंडर में रोटरी पंप 65 हॉर्स पावर में ये अपना ट्रैक्टर आता है जी। और ये अपना हो गया जी, जो पावर स्टेयरिंग का होता है, ये पावर स्टेयरिंग की ऑयल टैंकी है, ये अलग से होती है। और अपने जो ये डीजल फिल्टर होते हैं, ये स्पिन वाले होते हैं। क्योंकि ये स्पिन का क्या मतलब है कि जो भी डीजल में पानी वगैरह आता है, तो हम इस नोब को ढीला करके पानी को नीचे निकाल देते हैं। और रोटरी पंप जो कि एक जो करंट से ही चलता है, और चाबी से ही स्टार्ट होता है और चाबी से ही बंद होता है। तो ये अपना तीन सिलेंडर में है जी और 65 हॉर्स पावर में। और आगे दिखा दें जी आपको, ये अपना हैवी बड़ा रेडिएटर और इंटरकूलर के साथ, बड़ा इंटरकूलर के साथ है। और इसका जो एयर है ये ड्राई है, ऑयल वाला नहीं है, ये ड्राई है। जो फिल्टर डलते हैं इसमें, उसको समय समय पर अपने जैसा भी काम हो उनमें हवा वगैरह लगा लेनी चाहिए। 4-व्हील ड्राइव में जो अगले टायर का साइज है वो 11-2-24 का आता है जी। और पोलिस्टर पेंट है इस पे। आपने पहले देखा होगा जो मारुति 800 की गाड़ी आती थी, कितना भी पुराना मॉडल हो, लेकिन उसका पेंट न तो फेड होता था, न ही कलर में वो धब्बे बनते थे। और ये आगे बैटरी रखी हुई है। आगे बैटरी रखने का यही कारण होता है कि आगे से हवा लगे और बैटरी ठंडी रहे, इससे लाइफ बढ़ती है बैटरी की। और ड्राई होने के कारण ऊपर से ये अपना शीशे का भी एयर का वो लगा रखा है, जिसे आसानी से हवा ले सके। और इस मॉडल की जो प्राइस रखा है वो 11,10,000 रुपये है। और जैसा भी होगा एक्सचेंज में पुराने ट्रैक्टर भी लेते हैं, और मौके पे जो भी ऊपर नीचे होगा वो डील के ऊपर होगा। और ये अपना फ्रंट मुरगार्ड जो कि एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल और पावर स्टेयरिंग सिंगल जैक के साथ। और ये अपना टर्बो के कारण ये जो पानी की और इंजन के साथ ऑयल की सभी ये सप्लाई होती है। तो साथ में साथ ये चीज़ें, और ये इंडिकेटर नोब होगी जी लेफ्ट राइट की। और ये 12+3 UG लो हाई मीडियम तीन ऑप्शन में आता है। जो आप जिस भी एप्लीकेशन में ट्रैक्टर को चला रहे हैं, आपको वो चालें सभी इसके अंदर मौजूद मिलेंगी। और ये इंडिकेटर हो गए जी। और इसमें ये जो पीछे का टायर साइज है वो 16-9-30 का है, ये राजे। ये बैक साइड इंडिकेटर आगे जी। और जो यो कैनोपी है, ये एक वैसे तो दिखने में खुली है, लेकिन ये एक सेफ्टी पॉइंट है ड्राइवर का, जो कि ट्रैक्टर पलटने के भी बाद ट्रैक्टर वैसे ही सेफ्टी पॉइंट ड्राइवर के लिए। लिफ्टों में ये जैक आ गया,
जो कि लिमिट कैपेसिटी पर आता है, इससे जो भी हम पट्टी पे वजन उठाते हैं या डंपर जोड़ते हैं तो उसमें ये अपनी आसपास और ज़्यादा देता है। कितनी 500 kg, 2000 + 500, 2500 kg तक काम करेगा जी। और ऑटोमेटिक लिफ्ट है, हम जिस भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं लीवरों को सेट करके बटन से ही लिफ्ट गिरेंगी और उठेंगी। और डबल डिस्ट्रीब्यूटर, ये अपना डबल डिस्ट्रीब्यूटर है, कंप्यूटराइज गोड़ी या ड्रिल में जहाँ भी जिस एप्लीकेशन में लगाते हैं तो ये डबल नॉब होगी, जो कि ये लिफ्ट ने लगा के इससे लीवर से ऊपर नीचे करने में आसानी होगी। ये लाइट जी पीछे, ये इंडिकेटर आगे जी, और टायर का साइज वही 16x9x30 में, और एक ये आपने डिस्क ब्रेक है जी इसमें। और ट्रैक्टरों में आते हैं कि ऑयल ब्रेक, ऑयल ब्रेक क्या होता है कि उसमें तेल का फुहारा होता है, लेकिन अपने न्यू हॉलैंड के डिस्क ब्रेक हैं जो कि तेल में डूबे हुए डिस्क हैं, कम मेंटेनेंस और लाइफ ज़्यादा होगी जी। एक डिफेंसर लॉक जी, जो अदर ट्रैक्टरों में ये होता है कि जहाँ पे स्लिपेज कर गया ट्रैक्टर तो वो वहाँ स्लिपेज करता रहता है, लेकिन ये क्या है कि इसको दबाने से दोनों की चाल सेम हो जाएगी, तो जहाँ दशे हुए में डिफेंसर लॉक है नहीं, वो टू व्हील में पीछे पीछे। और आपको ये दिखा दें जी, जो भी ट्रैक्टर आ रहे हैं वो डबल क्लच कह के बेच रहे हैं सभी, लेकिन वो ज़्यादातर ट्रैक्टर डुअल क्लच हैं। ये आपको दिखा दीजिए, डुअल क्लच बोलते हैं कि ये जो पैर वाली क्लच होती है इसी में, और डबल क्लच करके बेचते हैं, लेकिन वो न्यू हॉलैंड में ऐसा नहीं है। जो भी ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड का होगा डबल क्लच का, उसकी डबल वाली साइड में मिलेगी आपको या आगे मिलेगी, लेकिन पैडल में नहीं मिलेगी। पैडल वाली जो डबल क्लच बोलते हैं वो डुअल क्लच होती है, ना कि डबल क्लच। ये जो लीवर है ये डबल क्लच का है, जब भी आप हम लोग यूज करेंगे तभी ये, इससे लाइफ भी बढ़ेगी और मेंटेनेंस भी कम होगा। और जी ये लो हाई मीडियम तीन चलने हैं, ये गियर है लो हाई मीडियम का, जो कि आपको दिखाएंगे, आपको जिस भी एप्लीकेशन में चलाना हो, लो में, हाई में, वो मीडियम हो, सभी चालें आपको मिलेंगी इसमें। ना मैं बता रहा था आपको ओके, ऑटोमेटिक लिफ्ट, इसमें क्या है कि ये जो लीवर दिखाई दे रहे हैं आपको, लीवरों को जो भी गहराई आप ले रहे हैं उसको सेट करके, और आप इसको ऐसे बटन से इसे उसी गहराई पे जाके जाएगी जहाँ आपने लीवर सेट किए हुए हैं, और उठाते टाइम ये ऊपर उठ जाएगी। तो ये हो गया जी ऑटोमेटिक लिफ्ट। एक बोल रहे थे डबल डिस्ट्रीब्यूटर, ये डबल डिस्ट्रीब्यूटर जो पीछे लगे हुए हैं, तो उसका हम डंपर खाली करते हैं तो इसको थोड़ी आगे करेंगे तो डंपर उठता जाएगा, और जैसे इसको हम छोड़ देंगे वहीं रुक जाएगा, और पीछे ही साइड लेंगे तो नीचे डाउन पे आ जाएगा। ये होता है इसका जी पर्पज। जैसा कि पहले बताया गया था रोटरी पंप में है ये ट्रैक्टर। रोटरी पंप का मतलब होता है कि ये चाबी से स्टार्ट हो जाता है और चाबी से ही ऑफ आ जाता है। बाकी ट्रैक्टरों में देखा होगा आपने, उनका फ्यूल हमें रोकना पड़ता है तब वो बंद होते हैं। तो ये टेक्निकल ट्रैक्टर है जो कि सभी वो फीचर मौजूद हैं जो कि एक ट्रैक्टर में होने चाहिए। और आज के दौरान जो ये सीडर चल रहा है, इस दौरान अपना जो 65 hp में जो न्यू हॉलैंड ने अपनी पकड़ बनाई है, जो चाल बनाई है, जो जमींदारों ने इसका फीडबैक दिया है, वो नंबर 1 चल रहा है और नंबर 1 कहला रहा है। तो ये है अपना न्यू हॉलैंड 5620 फोर व्हील ड्राइव 65 hp में, और इसी में हॉर्सपावर में अपना 2 wheel का एक और मॉडल अवेलेबल है, क्योंकि वो और दिखा देते हैं आपको। सेम सभी फंक्शन हॉर्सपावर वो सभी हैं जो कि एक 4 wheel में है, खाली ये 2 wheel और वो दूसरा मॉडल 4 wheel। इसकी कीमत जानना चाहोगे आप, वो है 980,000 रुपये, और वही कंडीशन इसके साथ है। कोई एक्सचेंज में पुराना ट्रैक्टर लेते हैं तो वो जो कीमत होगी वो मौके पर सौदे अनुसार की जाएगी। तो दोस्तों जो ये ट्रैक्टर अपना 5620 न्यू हॉलैंड 4 wheel drive और 2 wheel drive दोनों आपको दिखाए गए हैं, एक बार आपको ये और बता दें कि ये किस कंडीशन में और कैसे कंपनी से आता है, जो कि
इस मॉडल में बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे ये वेट लगे हुए हैं, ये कंपनी से ये वेट नहीं आते हैं, ये खाली आगे एक वेट आता है, ये प्लेटें एक्स्ट्रा हैं। और जो ये साइलेंसर हो गया, इसमें नॉर्मल जो साइलेंसर है कम वॉइस वाला वो आता है, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है। जैसे लाइटें हैं दो, ये भी एक्स्ट्रा लगी हुई हैं। और पहले इस मॉडल में स्काई वॉच आता था, जो कि अब कंपनी ने स्काई वॉच बंद कर दिया है। और पीछे ट्रैक्टर में जो साथ में आती हैं वो ड्रॉवर, टॉपलिंग और हुक ही आते हैं, और टूल किट। तो ये चीज़ें इस मॉडल के साथ आ रही हैं। और जो एक्स्ट्रा लगी हुई हैं, ये अपने फास्टिंग हुआ ट्रैक्टर है अपना, जो कि भाई ने खरीदा हुआ। तो भाइयों, ये अपने न्यू होलैंड में जो इम्प्लीमेंट के बारे में भी कुछ भाई पूछते हैं कि 65 हॉर्स पावर के पीछे हमें क्या क्या इम्प्लीमेंट लेने चाहिए, किस साइज के लेने चाहिए, वो अपनी ज़मीन के अनुसार। ये तो मैं कहूँगा कि अपनी जैसी ज़मीन है उसके अनुसार चलते हैं जो भी इम्प्लीमेंट है। लेकिन अपना जो ये झज्जर का जो एरिया है, अपना डाकर ज़मीन है जहाँ चल रहे हैं ट्रैक्टर, तो उसमें 20 से 22 डेक्स की है रोइस के पीछे, बढ़िया रिजल्ट दे रही है। और 13 से 15 डेक्स के कल्टीवेटर जो कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। और जो सीडर आया हुआ है वो 8 फुट का सीडर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इस ट्रैक्टर पर दे रहा है। उसमें ट्रैक्टर की माइलेज भी अच्छी आ रही है और खिंचाई भी प्रॉपर अच्छी तरीके से कर रहा है। तो ये अपना न्यू होलैंड 5620 फोर व्हील ड्राइव 65 HP, जो कि अपने बहुत ही कम समय में नंबर 1 पोजीशन पर चल रहा है। और इसके मुकाबले में आज अदर जितनी भी कंपनियां हैं वो किसी का भी मॉडल ऐसा नहीं चल रहा है, जो कि अपना न्यू होलैंड का 5620 चल रहा है। धन्यवाद जी। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। आशा करते हैं सज्जन न्यू होलैंड द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसी वीडियोज़ आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।